दोस्तों आज मौजूद हूँ मैं किसी एक ऐसे एक्टर के पास जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है, सोनू मिश्रा के लिए। नमस्कार। बताइए जरा हमारे दर्शकों को अपनी आने वाली फिल्म के बारे में, और बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हुई है, आज आपने अपना कीमती समय निकाल के जो ये समय हमें दिया है उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी आने वाली फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों को जाना है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, जैसे रिसेंटली मेरी फिल्म आई थी सतमेव जयंती, अभी सतमेव जयंती 2 में भी हूँ, और आने वाली फिल्म मैच ऑफ लाइफ, और अभी एक G5 की वेब सीरीज में कर रहा हूँ। जो G5 की वेब सीरीज कर रहे हैं, देखा जाए तो आजकल वेब सीरीज का बहुत बड़ा चलन है, तो उसमें किस प्रकार का कैरेक्टर है? मैं एक विलन का कैरेक्टर उसमें कर रहा हूँ, तो छोटा सा ही कैरेक्टर है लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर। अभी कुछ दिन पहले आपका मुंबई से बाहर शूट चला था जी, उस फिल्म के बारे में, उस प्रोड्यूसर के बारे में, उस डायरेक्टर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। प्रोड्यूसर हैं उसके कपिल पुरी जी, और डायरेक्टर हैं अमन सागर जी, और उसमें काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, राजपाल यादव जी हैं, हेमंत पांडे जी हैं, और उसमें भी मैंने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लाइक समझा। कब तक दर्शक वो फिल्म को सिनेमा घर में देख पाएंगे? मार्च में वो फिल्म रिलीज होने वाली। क्या नाम है फिल्म? मैच ऑफ लाइफ। आपका किस प्रकार का कैरेक्टर है उसमें? मेरा उसमें मैं हेमंत पांडे जी का दोस्त का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और कुछ सीरियल के बारे में? सीरियल अभी मैंने काफी टाइम से सीरियल नहीं किया, लेकिन अभी हाल ही में एक सीरियल किया था मैंने, कलर्स का, द इंडिया मोस्ट सेंसेटिव। और आगे आप सीरियल से दूर क्यों होते जा रहे हैं, फिल्मों के ज्यादा पास जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, मुझे आज जो पहचान मिली वो सीरियल से ही मिली, और सीरियल में करता हूँ कुछ अच्छा कैरेक्टर या अच्छी कोई कहानी आती तो मैं जरूर करता हूँ, लेकिन अभी तो मैं फिल्म में करता हूँ। और जो है इसके अलावा और आपकी कौन कौन सी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग हो चुकी है या शूटिंग होने को बाकी है, वो सब हमारे दर्शकों? अभी मेरी 2 फिल्में हैं, मैच ऑफ लाइफ जो अभी 16 मार्च के आसपास वो रिलीज होने वाली है, और एक फिल्म अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है, और वेब सीरीज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जो आने वाले नए जो लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए जो कि वो आपकी तरह एक फिल्म लाइन में मुकाम बना सके, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ये मुंबई शहर बहुत ही अजीब शहर है, यहाँ बस अपने लक्ष्य पे रहना चाहिए, और मछली की तरह बस अपने लक्ष्य पे निशाना लगाना चाहिए, और जिस रास्ते पे आप हो उस रास्ते पे ही हमेशा चलना चाहिए, और रास्ता नहीं भटकना चाहिए। हाँ, मुझे एक चीज याद आई, कुछ दिन पहले एक गाना देखा था जी जी, उसमें एक बड़ी हॉट सी लड़की है, मतलब बहुत अच्छा वो डांस करेगी, उसके बारे में जरा मुझे। वो फिल्म MB की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है इनविजिबल, उसमें एक मैंने आइटम सॉन्ग किया है, और उसमें एक विलन का कैरेक्टर किया मैंने, तो काफी पसंद आया लोगों को। हाँ, वो बहुत जी, तो वो किसी फिल्म का सॉन्ग? हाँ, फिल्म का सॉन्ग था, जो कि अभी 28 को रिलीज हुई थी, 28 फरवरी। वो सॉन्ग जो है उसमें आपके पर कम था? अच्छा। हाँ, और उस गाने को गाया है अमन तिरखा जी ने जी जी। तो उसमें जो लड़की के साथ आप बार बार दिखाए जा रहे हैं, तो विलेन का कैरेक्टर है जो आइटम, तो फिल्म वो रिलीज हो चुकी है। अच्छा, उसमें सिर्फ आप आइटम सॉन्ग नहीं? आइटम सॉन्ग। तो कैसा लगा आपको MP की शूटिंग में जाके? आपको बहुत अच्छा लगता है, MP तो मेरा घर है मध्य प्रदेश, और वहाँ का इतना सारा मुझे प्यार मिलता है, दुआएं आशीर्वाद, और बहुत चाहने वाले हैं मेरे, तो लव यू, दिल से शुक्रिया उनका। बॉलीवुड की ताज़ा जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें SRG न्यूज़ चैनल।